पेंशन व पीडीएस दुकानों पर हो रही घोटाले की जांच कराने की मांग को लेकर पिछले 1.5 माह से एसडीएम कार्यालय में पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में धरने पर बैठे दिव्यांग व विधवाओं से रविवार की शाम को एसडीएम आरएस बाकना ने अभद्रता की। ऐसा दिव्यांग व विधवाओं ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है। इसके साथ ही एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा है। दिव्यांग संगठन व विधवाएं 1.5 माह से एसडीएम कार्यालय में आंदोलन कर रहे हैं। रविवार को पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्र तथा दिव्यांग व विधवाएं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिन एसडीएम कार्यालय के चबूतरे पर ही मना रहे थे। कार्यक्रम समाप्त होते ही वहां एसडीएम का आना हुआ, जिस पर आक्रोशित एसडीएम से सभी से गेट से बाहर जाने को कहा। इतने में ही मुंहवाद हो गया। दिव्यांगों के मुताबिक एसडीएम ने उनका माइक व कुर्सियां फेंकते हुए धक्का मुक्की की तथा पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्र को भी धक्के मारे और कार्यालय में ही रात में भी धरने पर बैठ गए। कुछ व्यापारियों ने आज बाजार बंद रखा। वहीं पूर्व विधायक महेश दत्त मिश्र ने कहा कि बुधवार को तहसील व सरकारी दफ्तर नहीं खुलेंगे।